इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में कीटनाशक का पहला छिड़काव करने के लिए हम कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ ले सकते हैं और उन दवाइयों का उपयोग हमें सोयाबीन में कौन सी अवस्था में करना चाहिए और किस दवाई की कितनी मात्रा लेना है और क्या हम उन कीटनाशक को किसी खरपतवार नाशक दवाई या किसी टॉनिक के साथ ले सकते हैं या नहीं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान, किसान की यूट्यूब चैनल पर करता हूं आप सभी का स्वागत। अब दोस्तों, कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो ये फसल में लगने वाले कीट और फसल की अवस्था पर निर्भर करता है कि किस समय कौन सी कीटनाशक दवाई का उपयोग करना है। सोयाबीन में कीटनाशक के पहले छिड़काव की बात करें तो ये बुआई के बाद 15 से 25 दिनों के बीच में हो जाना चाहिए। आप चाहें तो ये स्प्रे खरपतवार नाशक दवाई के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के साथ कौन कौन से कीटनाशक ले सकते हैं और उनकी कितनी मात्रा लेनी है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप उस चारा मार प्लस कीटनाशक वाले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने खरपतवार नाशक के साथ कीटनाशक नहीं डाला है तो आप खरपतवार नाशक वाले स्प्रे के 10 से 12 दिन बाद किसी टॉनिक के साथ भी कीटनाशक दवाई को डाल सकते हैं। शुरुआती अवस्था में हमें क्विनालफास, ट्राइजोफास, थायमेथॉक्साम, प्रोफेनोफास, लेमडासाइलोथिन, इमिडाक्लोप्रिड जैसे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में रिंग कटर वाला गर्डल बीटल कीट लगता है, पत्तों को काटने वाला ब्लू बीटल कीट भी लगता है और व्हाइट फ्लाइट का अटैक भी शुरू हो जाता है और कुछ मात्रा में हल्की बारीक इलियाँ भी दिखने को मिल जाती हैं। तो इनमें से जिस किसी कीट का भी ज़्यादा अटैक देखने को मिले उस हिसाब से हमें इन कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना है। अगर काले रंग की चमकीली मक्खी है तो क्विनालफास का उपयोग कर सकते हैं, अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक है तो थायमेथॉक्सन का स्प्रे कर सकते हैं, और अगर काले सुनहरे रंग का कीट है तो उसके लिए ट्राइजोफास को ले सकते हैं, और केवल छोटी छोटी हरी इलियां हैं तो उसके लिए प्रोफेनोफास को ले सकते हैं, और अगर 30 दिनों तक की फसल में कोई भी कीट ना भी दिखे तब भी आप ट्राइजोफास के साथ में लेमडासाइलोथिन को लेकर स्प्रे कीजिए, क्योंकि 30 दिनों की सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल और बारीक हरी इलियां होने लग जाती हैं और गर्डल बीटल को पौधे के ऊपर देख पाना बहुत ही मुश्किल है, यह पौधे के ऊपर आसानी से नहीं दिखती हैं। 30 दिन की फसल होने से पहले पहले इनमें से कोई भी जरूरी कीटनाशक लेकर स्प्रे कर देना है। इन सभी कीटनाशक दवाओं के उपयोग की मात्रा और इनकी कीमत की बात करें तो क्विनालफास 25 cc को 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है, जो कि ब्लू बीटल के साथ साथ छोटी हरी इलिया और बारीक मच्छर पर भी कंट्रोल करता है। यह एक स्पर्शी कीटनाशक है जो कि बताए गए कीटों पर 8 से 10 दिनों का नियंत्रण रखता है। क्विनालफास का 1 लीटर का पैक 400 रुपये के लगभग मिल जाता है। अब बात करें ट्राइजोफास 40 cc की, तो यह सोयाबीन में गर्डल बीटल के साथ साथ तना छेदक और लीफ माइनर पर भी काम करता है। ट्राइजोफास 40 cc को 250 से 300 ml तक प्रति एकड़ में उपयोग करना है। यह स्टोमेक, कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनार तीनों तरीके से काम करता है। ट्राइजोफास का 1 लीटर का पैक अब कीमत बढ़कर 500 से 600 रुपये में आ रहा है। 2020 ट्राइजोफास का आखिरी साल है, इसके बाद शायद ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस सीजन में ही आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। अब बात करें थायमेथॉक्साम 25% WG की, तो यह सोयाबीन में होने वाली कई तरह के रस चूसक कीट और व्हाइट फ्लाई पर कंट्रोल करता है। इसे 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से किसी भी स्पर्शी कीटनाशक के साथ ले सकते हैं। थायमेथॉक्साम 25% WG भी काफ़ी कम कीमत पर आता है। अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो तो इसे आप बेशक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेनोफास डालना चाहते हैं तो आप इसे 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। यह भी हरी इलियों और उनके अंडों पर बहुत अच्छे से काम करता है और उनके साथ ही साथ मच्छरों पर भी काम करता है। 50 cc प्रोफेनोफास का 1 लीटर का पैक 500 रुपये के लगभग मिल जाता है। अब बात करें लेमडासाइलोथिन 5 cc की, तो यह भी हरी इलिया, तना छेदक, फल छेदक और रस चूसक कीटों पर अच्छा काम करता है। इसे अधिकतम 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। अगर आप चाहो तो लेमडासाइलोथिन को पीछे बताई गई किसी भी दवाई के साथ ले सकते हैं। किसी और कीटनाशक के साथ लेने पर इसकी मात्रा थोड़ी कम करके उपयोग करना है। और भी कुछ स्पर्शी कीटनाशक हैं जैसे अल्फ्रामेथिन, डेल्टामेथिन, मोनोकोट्रोफास, साइपरमेथिन, इन्हें भी आप सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। 30 दिनों की सोयाबीन की फसल में इनमें से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग एक बार तो हो जाना चाहिए। इनमें से किसी भी कीटनाशक का आप किसी भी टॉनिक के साथ ले सकते हैं, बस प्रोफेन और ट्राइजो को साथ में लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं घोल फट ना जाए, क्योंकि प्रोफेनोफास कभी कभी ऐसी दिक्कत कर जाता है। कीटनाशक संबंधित कोई और सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बता दीजिए। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर पास में लगी घंटी को भी दबा दीजिए।